मेरे दांत जो थे ऊपर के थोड़े से बाहर थे, और नीचे के दांतों में क्राउडिंग थी, एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, अच्छा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था। यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो देखी थी मैडम की, तो उनसे मुझे पता चला कि ट्रीटमेंट से दांत जो हैं थोड़ा सही हो सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर पूजा शर्मा और आज हमारे क्लिनिक पे हम आपको मिलवाते हैं हमारे पेशेंट अंकुर जी से। अंकुर जी का हमारे क्लिनिक पर पिछले 1.5 साल से ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा था और आज उनके ब्रेसेस फाइनली रिमूव हो गए हैं क्योंकि उनका डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट ओवर हो चुका है। तो आइए अंकुर जी से मिलते हैं। अंकुर जी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं और आपने इस ट्रीटमेंट को करवाने के बारे में क्यों सोचा? जी, मेरा नाम अंकुर है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और आगरा में पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ जी 2021 से। मेरे दांत जो थे ऊपर के थोड़े से बाहर थे, और नीचे के दांतों में क्राउडिंग थी, एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, अच्छा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था, तो इसलिए मैंने ट्रीटमेंट करवाया। अच्छा आपको जी कैसे पता चला कि ये ट्रीटमेंट इस तरह से ब्रेसेस से दांत सही हो जाते हैं? जी यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो देखी थी मैडम की, और उनसे मुझे पता चला कि ट्रीटमेंट से दांत जो हैं थोड़ा सही हो सकते हैं, तो इसलिए मैं क्लिनिक पर आया था। और आपको फिर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई जी और आगे आपका ट्रीटमेंट फिर कैसे प्रोसीड हुआ जी स्टेप जी बाय स्टेप? तो मैं लगभग फरवरी 2023 में क्लिनिक पर आया था। जी उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू किया गया, कुछ एक्सरे करवाए गए शुरू में और साइजिंग ली गई दांतों की। उसके बाद हर मंथ आना होता है लगभग। और हर मंथ आपकी एक विजिट रही जी और जी उसके बाद ग्रेजुअली हर मंथ आपके वायर चेंज होते रहे, टाइट होते रहे जी और दांतों को नई पोजीशन पे सेट कर दिया गया और जी फाइनली आज आपके ब्रेसेस निकल चुके हैं। तो आपकी ये जर्नी आज ओवर हो गई है और आज आप रिटेनर्स के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आपके ब्रैकेट्स निकल चुके हैं। अंकुर जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में को बहुत सारे कुछ इस तरह के डाउट्स रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है? तो आज मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप ही बताइए क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट में आपको पेन हुआ था? लगभग मेरा जो ट्रीटमेंट है वो 27 साल की एज में पूरा हुआ है, तो नॉर्मली ज़्यादा पेन नहीं होता है, बहुत हल्का फुल्का सा। और जब वायर टाइट किए जाते हैं तो 1-2 दिन पेन होता है, बाकी खाने में कोई दिक्कत नहीं आती, और कोई पेन दिक्कत जो नहीं था वो आती। आपका 1-2 दिन आपको खिंचाव की तरह महसूस हुआ होगा जी, और बस एक दो दिन। उसके बाद आपको नॉर्मल हाँ लगा। सब और इसके अलावा आपने जैसे अब ट्रीटमेंट कराया है, आपकी एज 25 से ऊपर की है, जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग 27 साल के आसपास मेरा ट्रीटमेंट ओवर हुआ है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है, ट्रीटमेंट लगभग पूरा सही हो चुका है। सही हो चुका है जी और आपको किसी कोई दिक्कत नहीं आई, भले ही आपने पहले नहीं करवा पाया किसी भी जी वजह जी से, आप यहाँ जी नहीं थे, आप दूसरे सिटी को बिलोंग करते हैं, तो इस एज में भी हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इससे हमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, हमारे व्यूअर्स इस बात में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आप ब्रेसेस लगाने से हमारे चेहरे की शेप चेंज हो जाती है या हमारा चेहरा हमारे एक व्यूअर्स ने अभी पूछा कि हमारे जो गाल हैं, चीक्स हैं, वो नीचे की तरफ दब गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ट्रीटमेंट से इस तरह का कुछ कुछ इफेक्ट आपके फेस पे भी पड़ा है या आपको लगता है कि जो पड़ा है वो मेरे को और मेरे फीचर्स को और अच्छा बेटर करने के लिए पड़ा है? मतलब थोड़ा बहुत लगता है जैसे कि गाल अंदर जा रहे हैं, पर वो ठीक हो जाए, टाइम टू टाइम सही हो जाते टाइम हैं, टू टाइम ऐसी से कोई शुरुआत दिक्कत में नहीं। ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा फेस चेंज हो रहा है ब्रेसेस के ब्रेसिस साथ। जब लगते हैं तो थोड़ा बहुत लगता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाते हैं। सही हो जाते हैं और जी, एंड में जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट अच्छा निकल कर आएगा। उससे और कोई ये है कि जो बीच में जो लंबा ट्रीटमेंट है तो बीच बीच में चेंजेस महसूस होते हैं कि दांत हमारे इस तरह से मूव हो रहे हैं, क्या हमारा जॉ भी मूव हो रहे हैं, हमारे दांत गाल भी मूव हो रहे हैं, पर जी इन द एंड आके आपको लगा कि वो सब कुछ जो है आके इन द एंड बैलेंस में जी आ जी गया है आपका बिल्कुल। फेस। और जिसे आप लोगों ने जाना कि इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं, जो फेशियल फीचर्स में कुछ चेंजेस हैं, वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम इस ट्रीटमेंट में चलते रहते हैं और इन द एंड आके आपको एक बैलेंस वेल अलाइंड स्माइल मिल जाती है। आपके दांत जैसे नीचे के एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं ओवर द टाइम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अंकुर जी, ये बताइए कि ये जो लंबा पीरियड रहा 1.5 साल का, तो पेशेंट्स इस चीज़ से घबराते हैं कि इतना लंबा ट्रीटमेंट, तो ऐसा क्यों?
क्या ये ट्रीटमेंट जल्दी नहीं हो सकता, क्या फास्ट करने से क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, तो ये जो लंबा समय रहा इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि क्या वर्थ है ये इतना समय देना? नहीं, लंबा समय है तो वो थोड़ा बेनिफिट ही है उसका। अच्छा, क्योंकि अगर जल्दी होगा तो उसमें ज्यादा पेन हो सकता है, ऐसा हो। लंबा समय है वो ठीक है, और इतना लंबा भी नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे टाइम, फिर आराम से सब टाइम ओवर हो जाता है। टाइम ओवर हो जाता है, मंथली आप आते रहते हैं जी जी तो उसके बाद ग्रेजुअली जो दांत नेचुरल मूवमेंट के साथ मूव होते हैं और नई जगह पे सेट होते हैं उनको एक टाइम पीरियड चाहिए जी, होता है। जी हम अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे या ज़्यादा ताकत लगाएंगे दांतों के वायर्स के तो दांतों के और प्रॉब्लम्स भी बन सकती हैं। यही मैंने आपको भी बताया होगा जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। थैंक यू वेरी मच अंकुर जी, आपने अपना समय दिया और हमारे दर्शकों को ये बताया कि ब्रेसिस ट्रीटमेंट से डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये ऑल दो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है बट ऑल दिस टाइम इज वर्थ द रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप भी आइए और अपने दांतों को एक वेल बैलेंस्ड, एक वेल अलाइंड और एक हारमोनियस स्माइल के लिए हमें आप जब चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। और अंकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको आने वाले भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं और आशा करते हैं कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमेशा यहाँ आ सकते हैं, हम हैं और आपकी पूरी तरह से हम हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you.